Hello everyone, welcome back to our channel. This is me, Iman, and Mawsam. And you are watching Newsviews and Updates. और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम करेंगे एक डिस्कशन एंड देन वी विल स्टार्ट वॉचिंग आवर वीडियो. आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम ये बोलेंगे कि जैसे कि इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं, हमें भी पता है, और हम दोनों बहुत ज़्यादा यू नो पसंद करते हैं इंडियन फेस्टिवल्स को. तो अभी मार्च में है होली का फेस्टिवल, तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि आप लोग अपनी होली की जो वीडियोस हैं या मेमोरीज की पिक्चर्स उनसी हैं. हाँ हाँ जी, जो गुजरी है ना उनकी ना. हाँ जी, और आने वाली कैसे जो गुजरी हुई है, जो आप लोगों ने सेलिब्रेट किया हुआ है, उसकी पिक्चर्स हमें भेजिए और साथ में हमें ईमेल कीजिएगा और साथ में हमें अपने कुछ अच्छे अच्छे वाक्यात हमारे साथ यू नो फनी मोमेंट्स हमें बताइएगा, शेयर कीजिएगा, तो फिर हम लोग यू नो डिस्कस करेंगे एंड वी विल मेक वीडियो. तो प्लीज़ 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 हमें अपनी पिक्चर ज़रूर शेयर कीजिएगा जिसमें कलर लगे हो और अपना नाम, अपने सिटी का नेम और क्या मतलब बस. हाँ मतलब ये सारी डिटेल्स भी हमें ज़रूर बताइएगा. एनीवे आज की हम जो वीडियो देखने जा रहे हैं वो वीडियो है, बोल दो मैं क्या बोलूं, टिकटॉक इंसान टिकटॉक चैनल की वीडियो है. इनकी वीडियो पर हमने पहले भी एक मतलब रिएक्ट किया हुआ है और वो भी काफी फनी वीडियो थी. हाँ. लेकिन तब आई थिंक इनका चैनल से स्टार्टिंग था. अभी तो माशाल्लाह काफी ग्रोथ हो चुकी है इनके चैनल की. चलिए पहले देख लेते हैं वीडियो टिकटॉक पर है. वैसे हम दोनों टिकटॉक पर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन चलो देखते हैं. ये फिर भी कभी कभी कर लेती हैं. क्या एक दफा मैंने आपको देखा था किए हुए? नहीं, मैंने आपको करते पर हुई नहीं, आपने वो दूसरे मोबाइल पे किया था. ओ भाई नहीं, ये है नहीं है, नहीं नहीं है, नहीं है, लेकिन अच्छा अच्छा झूठ. पहले हम देख लेते हैं वीडियो एंड देन वी विल डिस्कस कि हमें कैसे. सो लेट्स स्टार्ट एंड वॉच द वीडियो. अब यार हम ठहरे जन्मजात सिंगल और अपने को कोई फर्क भी नहीं पड़ता. जैसे अपने जाकिर भाई कहते हैं ना, अपन रहते हैं सख्ती से, अपन ऐसे पिघलते नहीं है, एटीट्यूड में रहते हैं अपने. बहुत हार्ड तू लटका के झटका के चलती है भटका के ध्यान मेरा, तेरे इस चलने पे मैंने कुछ लिखा है, पब्लिक को दे दूंगा ज्ञान तेरा. ओ मैडम जी मैं तेरा भाई नहीं है, धीरे चल कोई गाय नहीं है. ऐसे में बड़ा सख्त लौटा लेकिन यार यहाँ मैं पिघल गया. अरे यार टिकटॉक इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप स्नैपचैट जो मर्जी आप खोल लो, ये दो लड़की ऐसे नाचते हुए आ जाती है. बहुत हार्ड बहुत हार्ड. तो इसके बाद मैंने भी थोड़ा सा स्टॉक कर लिया इन लड़कियों को, थोड़ा सा, सच्ची बोल रहा हूँ मैं, बस थोड़ा सा, इतू सा. दूर जाता लक्ष्य में परवाज़ देख परवाने की आसमां भी सर उठाएगा, आएगा अपना टाइम आएगा. बस 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 गाना बंद भाई, क्लेम आ जाएगा. तो तुम्हें पता है इनकी वीडियोस पे सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या थी? उन पे आए हुए कमेंट्स. आपके पास एक ही जीन्स है क्या? पैंट अभी गंदी नहीं हुई क्या? जीन्स बदल बहन, पूरा बचपना गुजर गया मेरा ये जीन्स देखते देखते. एक ही जीन्स खरीदी है क्या? और नहीं है क्या भिखारी? देखिए बहन जी, माना मैंने की एक सेकंड डेढ़ ऐसे बहन जी, नो 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 मैडम जी मैं तेरा भाई नहीं है. हाँ तो मैडम जी, माना मैंने की जीन्स की फिटिंग अच्छी है. बड़ा बदल लो यार कपड़े, एक ही जीन्स में वीडियो बनाई जा रहे हो. और अभी मुझे टिकटॉक अच्छा लगने लगा ही था कि बहुत हार्ड तू लटका के झटका के चलती है भटका के ध्यान मेरा, तेरे इस चलने पे मैंने कुछ लिखा है, पब्लिक को दे दूंगा ज्ञान तेरा. भाइयों बहनों, यह देश बदल रहा है लेकिन कुछ लोगों का दिमाग नहीं बदल रहा. टिकटॉक वाले टट्टी थे और टट्टी रहेंगे. वो अजीब अजीब से टेढ़े मेढ़े से लौंडे जो कल तक सस्ते नशे करके ऐसी हरकतें करते थे, आज टिकटॉक म्यूजिकली के सुपरस्टार बने बैठे हैं. अब ये चिरौंटा इतना रोता है कि आपकी अच्छी खासी हैप्पी जिंदगी को भी सैड बना सकता है. एंड रोना शुरू. हर पल मेरी याद तुम्हें तड़पाएगी, तुझ में है कुछ ऐसी सुबह
जिसके खातिर मैं था जगा सा। और सिर्फ अकेले अकेले की रोना, अब हम झुंड बना के रोएंगे। एक सेकेंड यार, ये पीछे वाला हमें ऐसे क्यों लुक दिया जैसे हम सबको खा जाएगा? आंख, अबे आंख दिखा रहा है यार, हमको आंख दिखा रहा है, आंख दिखाता है। सॉरी फैमिली फ्रेंडली कंटेंट, आई कैन नॉट से दैट। अबे आंख दिखा रहा है यार, वैसी दरिंदा ऐसी लुक दे रहा है जैसे खा जाएगा हम सबको। मैं जागूंगा नहीं, तुम्हें ना आएगी कभी सोचा ना था रोने वाले लग रहे। एक तो इतना बड़ा मुंह खोल खोल के गाता है, ऊपर से कैमरा के अंदर घुस के फुल जूम के साथ इतने भयानक डरावने रोने वाले एक्सप्रेशन, अमावस की रात को पीपल के पेड़ के नीचे, यही है जो लोगों को कच्चा खाता है। लेकिन यार सैड पार्ट पता है क्या है, कि ये कितनी भी भयानक डरावनी सी वीडियोस बनाए, टिकटॉक से कोई ना कोई लड़की इसको मिल ही जाएगी, लेकिन मैंने सिंगल ही रह जाना है। यहाँ पे यूट्यूब करके क्या कर लिया मैंने यार, एक और वैलेंटाइन निकल गया और हम अभी भी सिंगल। लेकिन फिर भी दिल को एक तसल्ली तो है कि इस पूरी दुनिया में एक बंदा तो है जिसको कभी बंदी नहीं मिलेगी, रॉकी सुपरस्टार। जी हाँ, हम सिंगल लोगों के मसीहा, हमारे रॉकी भाई हमेशा सिंगल ही रहेंगे, उनको बंदी मिल जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, लव करके भागे हैं घर से बिहार लौट के ना आएंगे। ठीक है, एकदम ठीक है, धुसका पर्रा खाएंगे झारखंड में बस जाएंगे। मैं ताजिया ना मरा है वे दस की करा, तू ना लागे रे रॉकी भाई को भी बंदी मिल गई मेरी तो जिंदगी भैया पहला छह गलती हो गई। मैं मरी जाऊंगा भगवान बचा मेरी मम्मी मेरी वादा। अरे कल तक तो ये बंदा जगह जगह कहता फिर रहा था यार कोई भाड़े की गर्लफ्रेंड बन जाओ, रोज शॉपिंग कराऊंगा। भाई अब तो इतना सिंगल हो गया हूँ कि कस्टमर केयर में कॉल करता हूँ ना तो वहाँ भी कोई लड़का ही फोन उठाता है। भाई कल रात मैंने टूटते हुए तारा से गर्लफ्रेंड मांगी, साला तारा भी वापस आसमान में जाके जुड़ गया। और आज भाई को एक बंदी मिल गई। ना ना ना, एक नहीं दो। चेंज लग रहा है ना पे। दिल में दर्द हो रही है मेरे, रॉकी भाई को दो गर्लफ्रेंड्स। एक्चुअली दो नहीं, तीन। तौबा तौबा ये आंखें कहती हैं उठा ले रहे देवा। ये लड़का जो अपने बालों में किसी की थूकी हुई पान की पिचकारी लगा के घूम रहा है, इसके पास बदिया ही बदिया। उठा ले रहा बाबा, मैं जीना नहीं चाहता। तो चलो मैं जा रहा हूँ रोने, तुम वीडियो को लाइक कर देना, अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा वैसे तो टिकटॉक पे बहुत ज्यादा नमूने देखने को मिलते हैं, लेकिन उनमें से कई ऐसे भी होते हैं जिनका वर्क अच्छा भी होता है। लेकिन लेकिन देखती इसलिए मैं तो देखता हूँ व्हाट्सएप स्टेटस पे लोगों ने बहुत ज्यादा जो हम वो देखते हैं, उन लोगों को बहुत पसंद है। लेकिन ये कि वो हमें भी दिखाते हैं। हाँ समटाइम्स, बट इतनी ज्यादा मैं इतनी ज्यादा वैसे मेरा अकाउंट ही नहीं है टिकटॉक पर। देखा अभी निकलने लगा था मुंह से कि मैंने बनाई है। ओ भाई, मैं कह रही थी मैं इतनी ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ क्योंकि मेरा टिकटॉक है ही नहीं है। मेरा तो अच्छा अगर होता तो, अच्छा मेरी बात सुनो, अगर होता तो मैं वीडियो ना नजर आती मुझे। चलो बताओ मुझे याद करवाओ कौन सी वीडियो मैंने। वो आप उसके साथ एक बार बना रही थी, वो छोटी बंजी के साथ। मैं मैं नहीं बना रही थी, पता नहीं कौन सी गलत फहमी मे भी हो सकता है, ना बना रही हूँ लेकिन मैंने बनाई थी। अगर हम बात करें तो वीडियो भी काफी मजे की थी और काफी फेमस पर्सनालिटी को हमें देखने को मिला जिनके बारे में हम बिल्कुल भी नहीं जानते थे। और वीडियो की स्टार्टिंग बहुत अच्छी थी कि मैं तो सख्त लौंडा हूँ लेकिन यहाँ पिघल जाता हूँ। एक्चुअली वो क्या ना, जब हम लोगों ने फर्स्ट टाइम में क्या नाम था उस कॉमेडियन का, जाकिर खान, उनकी जब हम लोगों ने वीडियो देखी थी ना तो हमें समझ में नहीं आई। अब हमें हल्का हल्का समझ में आना शुरू हो गया कि इंडिया के लोग कैसे मजाक करते हैं। लेकिन जो उन्होंने वो दो लड़कियों की ट्रोलिंग की है, खासकर पेंट पे आके जो कमेंट्स थे बहुत बने थे। हाँ वही ना, लोगों की मर्जी से बहुत बने थे।
हाँ फनी तो थी लेकिन पता नहीं भाई ट्रॉलिंग करना यू नो बट मुझे मजा आया मैं इस पर ज्यादा कमेंट नहीं कर सकती और फिर उसके बाद जो लड़कों ने बनाई थी जो सेकंड वाला था ना दरमियान में जो बच्चा था बच्चा वो यार वो तो लाइक कुछ कहना नहीं चाहती बट वो वाकई वो पता नहीं उसकी जिंदगी में कितना इतनी सी छोटी उम्र में इतना दर्द भरा हुआ है वो रोता ही रहता गम भरे में बेचारे जिंदगी में और उसके पीछे जो बाद में जो लड़का दिखाते हैं वैसी चबा ही जाना है खा ही जाना है लेकिन चलो वो भी है लेकिन जो मतलब बीच वाला जो मेन करेक्टर लीड पर मैं उसकी बात करूं तो मुझे सबसे ज्यादा हैरत इसी चीज पर हो रही थी मतलब इसको ऐसा कौन सा दुख हो गया यार दुख छोड़े मुझे ये चीज की समझ लगती है कि ये लोग आंसू कहां से ले आते हैं नहीं ये ऐसी एक्टिंग कहां से आ जाती है कि आपके आंसू निकलना शुरू हो जाए मुझे लगता है कि मैं एक्टिंग ही नहीं कर सकती वैसे मौजूद शायद कर सकता हूँ नहीं मैं भी नहीं कर सकता तो टिकटॉक मैं इसीलिए नहीं बना पाती क्योंकि मेरी एक्टिंग ही नहीं है मैं खुद लेकिन मुझे ऐसा लगता है फनी एक्टिंग कर सकती हूँ मुझे फनी एक्टिंग करने का शौक है कॉमिक रोल्स करने का मुझे शौक है कभी किया नहीं वैसे मतलब प्लीज एक चांस दे दो हाँ जरूर जरूर कैमरा आना शुरू हो जाए और थर्ड वाले अगर हम बंदे के बारे में बात करें तो मौजूद ही कुछ बोलेगा मैं नहीं बोलती क्यों मैं क्यों ना बोलूं लड़की नहीं थी मेरी अब वो टिकटॉक पे मशहूर हो गया दो चार लड़कियां मिल गई तो क्यों जल रहे सारे रियली ये टिकटॉक पर इतने फेमस हैं ये लोग मालूम नहीं मैं कुछ यूज करता जरूर बताइएगा सीरियसली आई डोंट नो अबाउट देम कि ये इतने ज्यादा फेमस हैं मैं तो एंड वाले में जो सबसे फनी चीज लगती है जब शाहरुख खान और सलमान खान को लेके आते हैं वो चीज बहुत फनी लगी है लेकिन इस पूरी वीडियो की और बाकी भी अगर जो हम लोगों ने पहली भी वीडियो इनकी जिस पर हमने रिएक्ट किया था अगर मैं एक बात की मैं तारीफ करना चाहूंगी और वो ये कि आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं लाइक उसमें कुछ ऐसी गाली नहीं है कुछ ऐसा कंटेंट नहीं है कि जो आप देख ना सकते हो तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है इस चैनल की और उसके लिए इतनी जोर से नहीं ठीक है इतना ही काफी है और आई होप कि आपको भी अच्छी लगी होगी वीडियो और हमें अच्छी अच्छी वीडियो सजेस्ट करते रहें और बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं कि आप लोग 100K सब्सक्राइबर्स कैसे सेलिब्रेट करेंगे तो एक्चुअली वो क्या है ना कि अनफॉर्चुनेटली जिस टाइम पर 100K हुए उस टाइम पर हम सेलिब्रेट नहीं कर पाए और क्योंकि हालात ही अच्छे थे लेकिन इंशाल्लाह वी विल प्लान समथिंग एंड वी विल डिस्कस विद यू एंड वी विल शेयर आवर सेलिब्रेशन विद यू और वेरी सून बिल्कुल हाँ. और इसके अलावा फिर वही बात होली की तस्वीरें लास्ट में भेजिएगा हमें जरूर शेयर हमारे साथ शेयर कीजिए हमें जरूर शेयर हमारे साथ शेयर करें हमें ईमेल करें अगर आपके पास वीडियोस हैं वीडियो शेयर करें अगर आपके पास पिक्चर्स हैं पिक्चर्स शेयर कर दें यस एनीथिंग आप कुछ भी शेयर करें हम आपकी वीडियो जरूर अपनी वीडियो में शेयर करेंगे और इसके साथ साथ हम अगेन ये बोलना चाहेंगे कि खुश रहें खुश रखें सुकून से रहें सुकून से रहने दें एंड हमें रखें अपनी दुआओं में याद जो हाँ दुआ में याद और आजकल जो चल रहा है प्लीज मैं भी उस चीज को सपोर्ट करती हूँ #sayNoToWar और सेम हियर हाँ आई होप कि आप लोग भी इसी चीज को सपोर्ट करेंगे क्योंकि इसमें किसी का फायदा नहीं है और जिंदगी इतनी छोटी है कि पता नहीं कि आप कब यू नो बहुत सारे लोग जाते जाते मुझे ऐसा लगता है मतलब हमें अपने बारे में भी नहीं पता किसी के बारे में पता तो इसलिए प्लीज वॉर से कोई फायदा नहीं होना किसी का और हम लोग खुश रहना चाहते हैं जिंदा रहना चाहते हैं और हम लोग अपनी जिंदगी खुश रहे खुशी बखेरे इसी के साथ अपने चैनल अपनी वीडियो को रैप अप करते सॉरी सॉरी हम अपनी वीडियो को रैप अप करते हैं हमें रखें अपनी दुआ में याद हमारे चैनल को करें लाइक और हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब हमारी वीडियोस को करें लाइक हमारी वीडियोस को करें सब्सक्राइब शेयर एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स टिल देन गुड बाय